सो हाय गाइस, एंड आज हम बात करने वाले हैं दैट हाउ टू स्कोर 90% और 95% इन योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। ये कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। एंड लेट मी टेल यू, जो 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है वो तुम्हारी लाइफ का सबसे इजीएस्ट एग्जामिनेशन होता है और काफी हाई स्कोर कर लेते हैं बच्चे उसमें, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट टफ। सो जो सबसे पहली टिप और सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं तुम्हें देना चाहूंगा, एंड दैट इज कि तुम जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई प्रोवाइड करती है ना, उसे स्टडी करो। और जो टॉपर्स पेपर होते हैं ये कहाँ मिलते हैं? ये सीबीएसई की वेबसाइट पे मिलते हैं यार, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसमें मार्किंग स्कीम भी है और उसमें टॉपर्स के पेपर्स भी हैं, जाके एक बार चेक करो उन्हें। सीबीएसई का लिंक है, मैं कोई ऐसे कंपनी को स्पॉन्सर नहीं करता हूँ, कोई बोलता ही नहीं, तो जाके वो लिंक देखो, उसमें तुम्हें सब मिलेगा। उसमें मार्किंग स्कीम भी होगी, उसमें मॉडल आंसर्स भी होंगे। मॉडल आंसर्स मतलब जो टॉपर्स आंसर है, तो एक बार उन्हें स्टडी करो। मार्किंग स्कीम में क्या होगा, तुम्हें प्रॉपरली पता चल जाएगा कि किस तरीके के आंसर से ज्यादा स्कोर मिलना है और आंसर करने की तमीज क्या होनी चाहिए। सिर्फ सब कुछ पढ़ के तुम्हें अच्छा स्कोर नहीं मिलता, तुम्हें वो चीज एग्जाम में प्रेजेंट करनी भी आनी चाहिए ना। सो प्रेजेंटेशन के लिए तुम्हें मार्किंग स्कीम का पता होना जरूरी है, क्योंकि उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि किस टाइप की चीजों से ज्यादा स्कोर आता है। एंड तुम्हें पता चलेगा कि एवरीथिंग इज एक्चुअली फ्रॉम एनसीईआरटी, बट वो भी एनसीईआरटी को भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने स्टडी कर रखा होता है। नेक्स्ट यार, अभी देखो बोर्ड जाने में थोड़ा टाइम तो है ही, तो बेटर है कि तुम अभी अपना पूरा सिलेबस पहले एक बार चेक कर लो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं, क्योंकि उस चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। सिर्फ इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो तुम्हें करने ही है, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे रिलाई करोगे तो तुम्हारा स्कोर डाउन भी हो सकता है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्टली नहीं, थोड़ा सा कुछ ना कुछ, मतलब अराउंड 33% तो पेपर ऐसा होगा ही जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, मतलब नॉट एग्जैक्टली ट्रिकी, थोड़ा सा क्वेश्चन जो होगा वो घूम फिर के होगा। तो उसके लिए तुम्हें एटलीस्ट चैप्टर पढ़ा होना जरूरी है। अगर तुमने चैप्टर पढ़ा है तुम बड़े आराम से कर सकते हो। प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, अगर ये सब आ रहा है तो ये तो डेफिनेटली बीच में से आएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ से? एक तो तुमने प्रीवियस ईयर पेपर्स करे हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे जो मैंने लिंक दिया है। अगर अदरवाइज तुम्हें कोई मार्केट में भी बुक मिलती है ना प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो वो ले लो। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं ना, वो लिटरली हर जो ब्रांड है ना, हर कंपनी है, वो एक दूसरे को टेप के बनाते हैं, कुछ खास उसमें कुछ यूनिक चीजें नहीं होती। तो तुम कोई भी ले लो, मुझे पर्सनली ओसवाल पसंद है। अगेन उन्होंने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया है, बट मेरे को अपने टाइम में मैंने ओसवाल यूज किया था और उसकी बुक्स मुझे काफी अच्छी लगी थी। आई डोंट नो कि अब क्या चल रहा है, वैसे मेरे हिसाब से तो अभी भी ओसवाल बहुत अच्छा चल रहा होगा, बट अरिहंत यूज करते हो तो नॉट अ प्रॉब्लम। उन सब में एक दूसरे को देखकर ही बनाया गया। जब तुम अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है? देखो वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और एंट्रेंस के लिए साथ साथ पढ़ना है फिर तो हर चीज, एक एक चीज, एक एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है। बट बोर्ड्स में जो चीज तुम्हें थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस करनी है, जिसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो है डायग्राम्स एंड चार्ट्स। जहां पर भी डायग्राम और चार्ट्स तुम्हें दिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एग्जाम में डायरेक्ट बनाने के लिए भी आ सकते हैं, या फिर एग्जाम में दिया होगा उसे कंप्लीट करना भी आ सकता है, या फिर उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जहां पर भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स पूछते हैं वो, तो एग्जाम्पल्स जहां पर भी दिए हैं उसको भी अच्छे से करना जरूरी है। अब थोड़े और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं कि पढ़ाई कैसे करें, डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे कैसे बचें, ब्ला ब्ला ब्ला, ये बहुत कुछ होता है। ठीक है यार, ये कुछ ऐसी चीजें, ये थोड़ा मुश्किल होता है। देखो अब कोई बंदा कहेगा कि तुम दिन में 8 घंटे पढ़ो, कोई कहेगा तुम दिन में 6 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, ओके, टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट। सी, पहली चीज तो ये कि तुम्हें अपनी थोड़ी सी नींद कम करनी पड़ेगी, और तुम कम नींद में भी आराम से सो सकते हो। देयर इज अ सिंपल वे कि तुम 4 या 5 घंटे एक बारी में सो लो रात में, और फिर लंच के बाद तुम 1-1.5 घंटा और सो लो। दैट इज अ वेरी गुड साइकिल। अगर वो नहीं फॉलो होती तो रात को 6-7 घंटे सो सकते हो, ठीक है। एंड उतनी नींद इनफ होती है। आई नो तुम्हें नींद की इतनी दिक्कत, आई नो नींद जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी ओवर नींद भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो लिमिटेड अमाउंट में नींद करना इज इंपॉर्टेंट, एस्पेशली क्योंकि अब तुम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स इफ इन योर लाइफ। सो कैसे पढ़ाई करें? देखो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। मेरा तो यार ये था, मैं ना गिन नहीं सकता था कि कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो मेरा तो सही था, मेरा तो सिंपल सा स्केड्यूल था कि सुबह उठना है, हर टाइम पढ़ाई करना है जब तक कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास। तो मोस्टली सुबह उठे, सुबह उठ के पढ़ाई करी, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, फिर थोड़ी सी पढ़ाई करी, फिर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर लिया, फिर पढ़ाई करी, फिर लंच किया, फिर पढ़ाई करी, और ऐसे ऐसे करते करते पूरा दिन पढ़ाई में ही जा रहा था।
तो वो काफी अच्छा तरीका था, क्योंकि उससे तुम्हें पता नहीं चल रहा तुमने एक्चुअली में कितने घंटे पढ़े हैं, और हो सकते तुम किसी दिन कम भी पढ़ो, लेकिन हो सकते तुम किसी दिन बहुत ज्यादा भी पढ़ लो, ठीक है। इसका एक और फायदा क्या रहता है कि इससे तुम बहुत ही ईज में रहकर पढ़ाई कर सकते हो। ईज में रहना मतलब कि ज्यादा अपने आप को तकलीफ नहीं दी। देखो, कई लोग तुम्हें बोलेंगे कि अगर अपने आप को तकलीफ नहीं दोगे तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें देखो, इन द बिगिनिंग तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है जस्ट अपने आप को सेट करने में, ठीक है। उसके बाद तुम एकदम सब नॉर्मल हो जाएगा और बड़े आराम से तुम नॉर्मली प्रिपेयर कर सकते हो ईज में रहकर। ईज में रहना माना कोई अपने आप को इतना स्ट्रेस नहीं देना, ठीक है, क्योंकि ऐसे ईज में रहकर ही तुम्हारी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करती है। तुम ईज में रहकर पढ़ाई कर रहे हो ना, ये प्रैक्टिकली प्रूफ किया जा सकता है। सी यार, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था ना अपने बोर्ड्स के लिए, तो मेरे साथ एंट्रेंस भी थे नीट, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि सेम बोर्ड में थे, ठीक है। और चलो, जैसे मैं बायोलॉजी के एग्जाम्पल देता हूँ, तो मेरे 97 आए थे, बट मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके 99 और 100 भी आए हैं। 100 भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जिनको जिनके कि कई किसी ना किसी सब्जेक्ट में 100 आए हैं, बायोलॉजी में भी आए हैं। अब हम सब नीट की प्रिपेरेशन कर रहे हैं मेनली, और बोर्ड्स पे इतना ध्यान नहीं है जितना कि नीट पर है। जैसे नॉर्मली तो लोगों का बोर्ड्स पे मेन फोकस होता है ना, हमारा तो नीट पे था। उसके बावजूद हम इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल, बिकॉज हम एक बहुत ही ईज में रहकर बोर्ड्स के लिए हमने काफी ईज में रहकर पढ़ाई करी है। ईज का मतलब ये नहीं है कि लापरवाह हो जाना, ईज का मतलब ये है कि ज्यादा स्ट्रेस लेकर उसकी पढ़ाई ना करना, टाइम पे सब कुछ पूरा करना, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस लेकर इतना नहीं कर देना कि भाई अब जैसे तुम यहां पर इंटरनेट पर वीडियो देखने आए हो तो डेफिनेटली तुम स्ट्रेस में हो तभी तुम वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो ये सब इतना नहीं किया हमने बोर्ड्स के लिए। इंस्टेड क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, और उसे एकदम शांति से कैसे, शांतिपूर्वक तरीके से कैसे पढ़ना है, उस पर ज्यादा फोकस किया था हमने। और सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया, किसी का भी बुरा स्कोर नहीं है। नेक्स्ट टिप है तुम्हारी हेल्थ की। सी, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड, ठीक है। अगर तुम्हें कभी भी कोई हेल्थ रिलेटेड दिक्कत आती है तो इस पीरियड में इंपॉर्टेंट है कि तुम कोई देसी इलाज के पीछे मत पड़ जाओ एंड गो टू अ डॉक्टर, ठीक है, बिकॉज वी डोंट वांट कि टाइम वेस्ट हो, ठीक है। सो यार, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैं बताऊं, मैं तो अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखता हूं और मैं बहुत रेयरली ही कभी बीमार पड़ता हूं। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग, मैं अपनी हेल्थ का बहुत रेयरली ख्याल रखता हूँ। सो कभी भी हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू आए तो डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन दिस पीरियड, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स करना खुद पे नहीं करो, उसके लिए अगर तुम्हें मेडिकल मिल जाए तो बहुत टाइम मिलेगा। जाते जाते एक और टिप देते जाता हूँ यार, ये राइटिंग का क्या सीन है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स को भी देखा है बोलते हुए राइटिंग का। सी, अभी तो काफी टाइम है, तो राइटिंग के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि तुम्हें अगर सब कुछ समझ आ रहा है जो तुमने लिखा है तो इसका मतलब तुम्हारी राइटिंग सही है, ठीक है। और कभी भी ये सब चीजें कर सोचना भी मत कि तुम टीचर्स को बेवकूफ बना सकते हो। अगर तुमने ऐसी कोई गलती करी, पेपर में कुछ ऐसा कुछ कर दिया तुमने जिससे कि तुमने जिसके जैसे क्वेश्चंस रिपीट कर दिए, ऐसा कुछ कर दिया कि तुम्हें लगे कि इससे टीचर बेवकूफ बन जाएगा और तुम्हें ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। इंस्टेंट तुम्हारा स्कोर बहुत डाउन हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट डजंट हैपन। अगर अभी तो कुछ टाइम है बोर्ड जाने में एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, इतना कोई खास स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बहुत मजा आने वाला है इसकी प्रिपरेशन में। यार, हर किसी को इस टाइम से गुजरना पड़ता है, हम भी गुजरे थे, हमारे सीनियर्स भी गुजरे थे, हमारे जूनियर्स भी गुजरे थे, और तुम भी गुजर रहे हो, ठीक है, तुम भी तुम्हारे जूनियर ही हो। हाँ, और तुम इस पीरियड को बाद में बहुत ज्यादा याद करोगे क्योंकि आगे आने वाली लाइफ सक्स, रियली सक्स। सो गेट गुड स्कोर्स एंड गेट इन गुड कॉलेज एंड डोंट फील मच डिप्रेस्ड। और अगर तुम कभी भी डिप्रेस हो रहे हो तो हैव सम फन इन बिटवीन, फन इज इंपॉर्टेंट, एंड ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम योर फोन। बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू।